In this lecture, we are going to study inversion of single slider crank chain mechanism. So single slider crank chain mechanism is a modification of four bar chain mechanism. So four bar chain mechanism kya hota ki wahan pe four links tha and all four kinematic link forms four turning pair, lekin yahan pe ek sliding pair hai aur teen turning pair hai. So in single slider crank chain mechanism there are three turning pairs and one sliding pair, or these mechanism, that is single slider crank chain mechanism, used to convert rotary motion into reciprocating motion and reciprocating motion into rotary motion. तो ये रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म करता है. सो ये मैकेनिज्म है जो फिक्स लिंक का ये क्रैंक के साथ में एक टर्निंग पेयर फॉर्म करेगी. क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ये सेकेंड टर्निंग पेयर फॉर्म करेगी, और जो रॉड एंड स्लाइडर ये थर्ड टर्निंग पेयर फॉर्म करेगा. स्लाइडर और फिक्स लिंक के बीच में एक स्लाइडिंग पेयर होगा. तो सो बेसिकली जो मैकेनिज्म रहता है, मैकेनिज्म का जो फंक्शन रहता है कि रोटरी मोशन या जो भी मोशन है, मोशन को एज इट इज, मतलब रोटरी को रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में ये ट्रांसफर करता है या उसको कन्वर्ट करके, मतलब यहाँ पे रोटरी मोशन है तो रोटरी मोशन यहाँ रेसिप्रोकेटिंग में आ रहा है, अगर यहाँ इनपुट देंगे तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ रोटरी फॉर्म में मिलेगी. तो मैकेनिज्म का जो बेसिक फंक्शन रहेगा ये रहेगा कि मोशन को एज इट इज रोटरी टू रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग टू रेसिप्रोकेटिंग या उसको ट्रांसफॉर्म करके रोटरी मोशन इंटू अनदर फॉर्म में, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग या जो भी दूसरा फॉर्म रहेगा मोशन का, ये फॉर्म में ये कन्वर्ट करेगा. तो मैकेनिज्म ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म द मोशन, ये मैकेनिज्म का बेसिक फंक्शन है. व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स देन इट इज नोन एज मैकेनिज्म. काइनेमेटिक चेन का एक लिंक अगर फिक्स करेंगे तो मैकेनिज्म मिलेगा, और मैकेनिज्म के अंदर एक लिंक रहेगा जो पूरा 360 घूमेगा, और जो लिंक 360 घूमेगा उसी को बोलेंगे क्रैंक. इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म मीन्स द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स. सो काइनेमेटिक चेन के अंदर जो लिंक है तो हर टाइम पे अलग अलग लिंक को फिक्स करेंगे तो अलग अलग मैकेनिज्म मिलेंगे, और ये प्रोसेस को बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, इसी को बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. तो सिंगल स्लाइडर के अंदर तीन टर्निंग पेयर है और एक स्लाइडिंग पेयर है. सो दीज आर इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म विथ वर्थ क्यूकेटन मैकेनिज्म, बूल इंजिन, ऑसिलेटिंग स्लेटर इंजिन, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजिन, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्यूकेटन मैकेनिज्म. सो दीज आर द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म. सो फर्स्ट जो मैकेनिज्म है विद वर्क क्यूकेटन मैकेनिज्म, ये यहाँ स्टडी करेंगे. विद वर्क क्यूकेटन मैकेनिज्म इज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, एंड इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म देर आर थ्री टर्निंग पेयर एंड वन स्लाइडिंग पेयर. सो ये सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन है. तो सिंगल स्लाइडर में तीन टर्निंग पेयर थे और एक स्लाइडिंग पेयर था, तो ये मैकेनिज्म के अंदर भी तीन टर्निंग पेयर रहेंगे और एक स्लाइडिंग पेयर रहेगा. तो ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर फोर लिंक्स रहेंगे, और ये फोर लिंक्स एक दूसरे के साथ में पेयर फॉर्म करेंगे, और इसके अंदर तीन टर्निंग और एक स्लाइडिंग पेयर रहेगा. सो फिक्स लिंक और क्रैंक के बीच में एक टर्निंग पेयर बनेगा. सेकेंड टर्निंग पेयर जो क्रैंक और स्लाइडर है इसके बीच में एक टर्निंग पेयर जो यहाँ बनेगा, और जो थर्ड टर्निंग पेयर है फिक्स लिंक और स्लॉटेड बार, तो यहाँ थर्ड टर्निंग पेयर बनेगा. और जो फोर्थ स्लाइडिंग पेयर है ये स्लाइडर और स्लॉटेड बार, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग पेयर बनेगा. तो ये मैकेनिज्म है तीन टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर. तो यहाँ पे एक और सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, और जो स्लाइडिंग पेयर है ये स्लाइडर और स्लॉटेड बार के बीच में बनेगा. सो यहाँ पे जो स्लॉटेड बार है, स्लॉटेड बार एंड रैम कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड दीज रैम कैरीज कटिंग टूल. तो यहाँ का जो कनेक्टिंग रॉड है और सिंगल स्लाइडर का जो कनेक्टिंग रॉड है ये डिफरेंट है. सिंगल स्लाइडर का जो कनेक्टिंग रॉड था ये एक लिंक थी, और ये जो लिंक थे सिंगल स्लाइडर की यहाँ पे मॉडिफाई होके यहाँ फिक्स लिंक बनी है. सो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है. तो ये कंस्ट्रक्शन है विथ वर्क क्यूकेटन मैकेनिज्म का. यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो विथ वर्क क्यूकेटन मैकेनिज्म का. यहाँ वर्किंग देखेंगे. यहाँ जो क्रैंक एसी है दैट रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगल वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हेन दिस क्रैंक इज रोटेट फ्रॉम दिस पोजिशन दैट इज ए जेड टू टू ए जेड वन थ्रू एन एंगल अल्फा, एट दैट टाइम द कटिंग टूल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड टू कंप्लीट द कटिंग स्ट्रोक.
Similarly, when this crank rotate from AZ1 to AZ2 in clockwise direction through an angle beta, cutting tool moves from right hand side to left hand side to complete the return stroke. The crank का rotation through an angle alpha हो रहा है in clockwise direction, तब cutting tool left to right move हो जाएगा to complete the cutting stroke. और जो क्रैंक का जो रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू एन एंगल बीटा हो जाएगा फ्रॉम पोजीशन AZ1 टू AZ2, तब कटिंग टूल ये राइट से लेफ्ट मूव हो जाएगा टू कंप्लीट द रिटर्न स्ट्रोक. सो यहाँ पे जो कटिंग स्ट्रोक के लिए टाइम लगेगा, ये टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द क्रैंक दैट रोटेट थ्रू एन एंगल अल्फा, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिटर्न स्ट्रोक इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द क्रैंक टू रोटेट थ्रू एन एंगल बीटा. यहाँ पे जो बीटा एंगल है ये स्मॉलर है देन दी एंगल अल्फा, और जो बीटा एंगल है ये रिटर्न स्ट्रोक का एंगल है, और जो अल्फा एंगल है ये कटिंग स्ट्रोक का एंगल है. तो यहाँ डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो कि बीटा एंगल स्मॉलर देन दी एंगल अल्फा. सो यहाँ पे जो कटिंग स्ट्रोक को जो टाइम लगेगा ये ज़्यादा रहेगा देन दी रिटर्न स्ट्रोक, या रिटर्न स्ट्रोक का जो टाइम रहेगा ये कम रहेगा देन दी कटिंग स्ट्रोक. सो ये मैकेनिज्म को बोलेंगे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्योंकि ये रिटर्न स्ट्रोक को जो टाइम लगने वाला है ये बहुत ही कम है देन दी कटिंग स्ट्रोक. यहाँ पे जो रेशियो रहेगा टाइम टेकन टू कटिंग स्ट्रोक टू द टाइम टेकन बाय रिटर्न स्ट्रोक, सो टाइम टेकन फॉर कटिंग स्ट्रोक ये रहेगा अल्फा, और जो रिटर्न स्ट्रोक का रहेगा बीटा. सो यहाँ पे लिख सकते हो कि अल्फा और ये बीटा के वैल्यू रिप्लेस करेंगे, बीटा के वैल्यू कह जाएंगे कि 360 में अगर अल्फा माइनस करेंगे 360 माइनस अल्फा तो ये बीटा की वैल्यू मिलेगी. सो यहाँ पे रेशियो लेना है, रेशियो कटिंग स्ट्रोक का अल्फा लेना है, रिटर्न स्ट्रोक का बीटा लेना है, और जो बीटा रहेगा रिप्लेस करना है 360 माइनस अल्फा विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज इन सेपर एंड स्लॉटिंग मशीन. सो यहाँ पे पूरा वर्किंग दिया है, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो और यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं दूसरा लेक्चर जल्दी से जल्दी लेके आऊँ.